नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पर अपन अपने क्वेश्चनों का सिलसिला माय डियर चल रहा था और समय और कार्य की अपन यहाँ पर बातें कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर बात अपनी चल रही है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, जहाँ पर बात मैंने छोड़ी थी वहीं से बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है, तो देखेंगे यहाँ पर माय डियर किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। कुछ लाइनें आपके लिए लिखी हुई हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आपके यदि आपके अंदर जज्बा है और जिद है अगर जीतने की, तो हार भी माय डियर आपको हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर हौसला है और वो हौसले को अगर आप मेहनत के साथ, जज्बे के साथ आगे बढ़ाओगे, तो आपकी मंजिल तक माय डियर आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर आपको अगर जिद है जीतने की, तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। तो आपको जिद रखना है और जिद रही तो मंजिल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मीडिया बात करें तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका क्या है, एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। बात कराएं, 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 51 आदमी उससे दुगने काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में करेंगे। इस टाइप की माइडियर पहले भी अपन बात कर चुके हैं और वहीं से बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। एक बार क्वेश्चन को आराम से आप पढ़ लें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, लैंग्वेज को माइडियर पकड़ने की कोशिश करें, और लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करेंगे अपने आप आपकी बात बनेगी। चलो देखें बात आपकी क्या कर रहा है। यहाँ पर माइडियर बात कर रहा है, उसने बोला कितने आदमी है, 38। अपन ने बात करी थी काम के अलावा जितनी भी चीजें वो ऊपर आएगी और काम आपका कहां पर आएगा, नीचे आएगा। यहां पर माइडियर बात कर रहा है कितने आदमी है, 38 आदमी है, कितने आदमी है, 38 आदमी। कितने घंटे काम कर रहे हैं डेली, यहां पर माइडियर बात करें तो आपका 6 घंटे काम कर रहे हैं, और उस काम को कितने दिन में निपटा रहे हैं, आपके 12 दिन में। कोई काम है एक, कोई काम है आपका क्या है एक है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात कर रहा है 51 आदमी उससे दुगने काम को, अब काम क्या हो गया दुगना, आदमी कितने 51 है, तो काम आपका नीचे आएगा और बाकी चीजें ऊपर आएगी। 51 आदमी उससे दुगने काम को कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे मुझे नहीं पता, तो क्या मान लिया डी और काम कितना है आपका पहले से दुगना है। यहां तक माय डियर आपको बात समझ आई होगी, क्लियर है। अब देखिए यहां पर माय डियर काटा कूटा अगर करें तो ये आपका एक टाइम कट जाएगा और ये आपका कितना 4 टाइम, 4 से अगर इसको काट दे तो ये कितना 12 आपका 3 बार कट जाएगा, 3 से अगर माय डियर इसको काटे तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका 17 बार। यहां तक मेरे ख्याल से बात आपकी क्लियर होगी। तो डी बराबर माय डियर बात करें तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर 38 इंटू कितना कर देंगे 6 कर देंगे, और अपन आपका कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। यहाँ पर माय डियर मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 8 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 48, तो आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 6 इंटू 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18, और 18 में 4 8 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अपन माय डियर बात करें तो कितना होगा 17। यहाँ पर अगर डिवाइड करें तो ये एक टाइम जाएगा 17, 5 बचेगा आपका कितना हो जाएगा 58, और 58 को 17 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा आपका 13 बार, और यहाँ पर माय डियर बात करें इससे इस पर आपका कितना बचेगा 7 बटा कितना हो जाएगा 13। यानी यहाँ पर माय डियर बात करें तो उनको कितने दिन में काम समाप्त होगा आपका, यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितने दिन में 13 से ही 7 बटा 13 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर सी आ जाएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी। ध्यान ये रखना है जब भी इस टाइप की माय डियर बात करेगा तो आपको करना क्या है, काम आपका नीचे आएगा और बाकी चीज़ें आपकी कहाँ पर आएगी ऊपर आएगी, बरोबर है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में माय डियर दिमाग लगाएंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है ये दिया हुआ है। इससे पहले पहले ये वाला लगाएं, इससे पहले कौन सा लगाएं, ये वाला लगाएं। एक बार पढ़ें क्वेश्चन को, बात आपकी क्या कर रहा है। उसने माय डियर आपसे बात करी ए बी के 3/4 समय में, ए बी के 3/4 समय में बी का आधा काम करता है, एक साथ वे दोनों पूरे काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तब बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, या दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब चलो देखो बात क्या कर रहा है। उसने बोला ए बी के 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखो क्या दिया है, काम कितना कर रहा है, आधा काम कर रहा है बी का,
काम नीचे आएगा और बाकी चीजें ऊपर आएगी। कौन कर रहा है काम आपका? यहां पर मैं ये बात करें, ए काम कर रहा है। कितने समय में कर रहा है आपका? जितने में बी करता है उसका कितने में कर रहा है? 3/4 समय में। और आधा काम कर रहा है, यानी जो भी ए करेगा, ए अगर एक करेगा तो, अगर बी अगर एक करेगा तो ये कितना करेगा? आधा काम करेगा। तो यहां पर मैं ये बात करें, बराबर आपका कितना हो जाएगा? बी कितने समय में करता है? एक में। और कितना काम करता है? एक काम करता है। क्लियर? यहां पर अगर काटा कुटा करें तो यहां पर मैं ये बात करें, दो से आपका ये चार दो बार कट जाएगा, तो आपका यहां पर बात करें तो क्या आ जाएगा? ए इंटू आपका कितना बचेगा? 3/2 बराबर आपका कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। यहां पर मैं ये बात करें तो बात आपकी क्या है, देखें ए अपॉन बी की अगर बात करें तो ए अपॉन बी का जो आपका रेशो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 2 वहां पहुंच जाएगा और 3 आपका क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ए बराबर आपका कितना? 2, बी बराबर कितना? 3। यहां तक बात समझ आ गई। अब बात कर रहा हूं पूरे काम को 18 दिनों में करते हैं तो कुल काम बराबर क्या होता है? ध्यान रखना यहां पर कुल काम बराबर क्या होगा, अगर एफिशिएंसी से समय का मल्टीप्लाई कर दे तो कुल काम आ जाएगा टोटल कुल काम। कुल काम दोनों की एफिशिएंसी की मैं ये बात करें तो ए की 2 है और बी की कितनी है? 3 है। दोनों को ऐड कर दें कितना हो जाएगा? 5। दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। माय डियर करते हैं इंटू कितना कर दें? 18। तो ये 5 × 18 करेंगे तो टोटल काम आपका कितना हो जाएगा? 90। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात पकड़ में आ गई होगी। अब बात करें बी उस काम को कितने दिन में करेगा, दोनों का ही निकाल लें। ए कितने दिन में करेगा? अगर ए की बात करें टोटल काम कितना है आपका? 90। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो 90 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन में कर देगा आपका? 45 दिन में। फिर बी की मैं ये बात करें तो टोटल काम कितना है? 90 है। और बी की एफिशिएंसी आपकी कितनी है? 3 है। तो यहां पर मैं ये बात करें तो कितने दिन में कर देगा आपका? 30 दिन में। तो ए तो करेगा 45 दिन में और बी करेगा आपका 30 दिन में। ए तो करेगा आपका 45 में और बी करेगा 30 दिन में, यानी ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। क्लियर? देख ले चीजों को, आराम से समझ लें, आराम से समझना है और चीजों को देखते हुए जाना है, एक एक कंसेप्ट को आपको क्लियर करते हुए माय डियर चलना है। चलो देखें अगले की माय डियर बात करें, अगले की माय डियर बात करें तो बात आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। पढ़े क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन को माय डियर पढ़े। बात क्या करा, ए बी का 3/4 काम बी के 5/6 समय में करता है। ए बी का 3/4 काम कितना कर रहा है? 3/4 और समय में कितने में कर रहा है? 5/6 समय में करता है। यदि दोनों 10 दिनों में काम को पूरा कर देते हैं तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो ए और बी उस काम को अलग अलग कितने दिन में करेगा और ए कितने दिन में करेगा? देखो बात को समझें, बात आपकी क्या है, करना क्या है, बात को देखें। यहां पर मैं ये बात कर रहा हूं ए बी का कितना काम कर रहा है? 3/4 काम कर रहा है और कितने समय में कर रहा है? ए की बात करें तो काम को छोड़कर सभी चीजें ऊपर आएगी, कितने समय में कर रहा है? 5/6 समय में। और यहां पर काम कितना कर रहा है आपका? 3/4 कर रहा है। क्लियर? अब यहां पर मैं ये बात करें बी का कितना, बी कितना समय ले रहा है? एक ले रहा है। और काम कितना कर रहा है? एक कर रहा है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए इंटू आपका कितना होगा? 5/6। ये ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, 4/3 बराबर आपके मेरी बात करें तो कितना हो गया? बी हो गया। अगर काटने की कोशिश करें, 2 से काट दें तो ये आपका कितना? 3 टाइम। और ये आपका कितना? 2 टाइम। तो यहाँ पर माइडियर अगर अनुपात आप निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ए अनुपात आप बी निकालना चाहें, ए अनुपात अगर बी निकालोगे तो 2 × 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 × 3 करेंगे तो 9, तो 9 ऊपर पहुंच जाएगा और 10 आपका क्या आएगा? नीचे आएगा, यानी कितना आ जाएगा? 9/10 आ जाएगा। यहां तक बात को देखें, यहां तक मेरे ख्याल से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ए बराबर आपका कितना आ गया? 9। और बी इक्वल टू आपका कितना आ गया? 10 आ गया। बात करें यदि दोनों 10 दिनों में करते हैं, दोनों कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में कर रहे हैं। दोनों 10 दिनों में माय डियर काम को करते हैं तो कुल काम बराबर,
कुल काम बराबर दोनों की एफिशिएंसी का दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा 9 + 10 इंटू कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। तो यहाँ पर मैं आइडिया बात करें तो ये आपका कितना 19 इंटू 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 190। कुल काम आपका कितना हो गया 190। किसकी बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है, दोनों का ही निकाल लें। तो यहाँ पर मैं आइडिया बात करें, ए करेगा, ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, यहाँ पर मैडिया बात करें 90 बटा, बात करें ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 9 है, तो ये आपका आ जाएगा, डिवाइड करें 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दून कितना 18, कितना हो जाएगा आपका 10, 10 को एक बार करेंगे एक, शेषफल कितना बचेगा 1/9, ये आ गया। अगर बी की मैडिया बात करें तो बी कितने समय में करेगा 190 बटा कितना, यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी है 10 है, कितने दिन में कर देगा 19 दिन में कर देगा। तो यहाँ पर बात करें तो ए 21 से ही 1/9 दिन में करेगा और बी 19 दिन में कर देगा, यानी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ तक माइडियर बात आपको क्लियर पूरी पूरी समझ में आई होगी, बात आपको पकड़ में आई होगी, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बरोबर, यहां तक चीजों को देखें, समझते जाएं किस टाइप से माइडियर बात वो करने वाला है, कैसी बात कहानी आपकी चल रही है। देखें अगले की माइडियर बात करें तो अगला आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, ये दिया है, पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, बात आपकी क्या कर रहा है। अब यहां पर माइडियर उसने बोला हुआ क्या है, ए तथा बी एक काम को 10 तथा 15 दिन में खत्म करते हैं, दोनों एक एक दिन, दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और काम को ए शुरू करता है, तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, पूरा काम आपका कितने दिनों में समाप्त होगा। एक बार पढ़ें क्वेश्चन को, माइडियर बोल क्या रहा है, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ें, बोल क्या रहा है। अब यहां पर माइडियर उसने बात आपसे क्या करी है, ए तथा बी एक काम को, देखिए बात को समझे, अल्टरनेट वो काम करने जा रहे हैं, यानी पहले दिन ए जाता है दूसरे दिन बी जाता है। तो चलो देखो, जब भी इस टाइप की बात करेगा करना क्या है, यहां पर माइडियर बात कर रहा है ए किसी काम को, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और बी उसी काम को माइडियर बात करें तो कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसका माइडियर क्या ले लें, एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60, ये आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया। अगर ये 60 यूनिट को 12 दिन में करता है, 60 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर माइडियर बात करें कितना 5, अगर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है बात। अब बात कर रहा है एकांतर क्रम में काम करने जाते हैं, कहां पर जा रहे हैं एकांतर क्रम में, यहां पर माइडिया बात करें एकांतर क्रम में काम करने जाएंगे, तो देखो बात आपको क्या करना है, बात को समझना, कंसेप्ट आपको बनाना है कि जब भी इस टाइप की बात करेगा तो आपको करना क्या है। पहले दिन काम करने कौन जाएगा, ए जाएगा, दूसरे दिन काम करने कौन जाएगा, बी जाएगा, फिर तीसरे दिन कौन जाएगा, ए जाएगा, फिर चौथे दिन कौन जाएगा, बी जाएगा, ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। तो जब भी माइडियर एकांतर क्रम में इस टाइप से बात करे तो ऐसी बात आपको क्या करना है। अब यहां पर देखो साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है, साइकिल की बात करें 2 दिन में, कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 2 दिन में, 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, पहले ए गया फिर बी गया फिर वापस कौन गया ए फिर बी फिर ए जाएगा फिर बी जाएगा, यानी एक साइकिल आपका कितने दिन में बन रहा है 2 दिन में बन रहा है, कितने दिन में बन रहा है 2 दिन में। अगर एक साइकिल आपका 2 दिन में बन रहा है तो ऐसी स्थिति में माइडियर आपको करना क्या है, यहां पर माइडियर बात करें एक साइकिल बराबर किसके बराबर, एक साइकिल, और एक साइकिल की माइडियर बात करें तो एक साइकिल कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है आपका 2 डे में, और 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और 2 दिन में ये एक दिन में ये कितना करेगा 5 यूनिट, और ये दूसरे दिन कितना करेगा 9, यानी 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है आपका 9 यूनिट काम हो रहा है, कितने यूनिट काम हो रहा है 9 यूनिट काम हो रहा है। क्लियर है भाई, 2 दिन में पहले दिन ए गया 5 यूनिट कर दिया, दूसरे दिन बी गया 4 यूनिट करके आ गया, यानी डायरेक्ट 9 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है 9, 2 दिन में कितना 9 यूनिट काम हो रहा है। यहां तक बात मेरे ख्याल से आपको पकड़ में आ गई होगी। अब टोटल काम आपको कितना करना है, आपको कितना 60 यूनिट करना है, और यहां पर 2 दिन में कितना हो रहा है 9 हो रहा है। अब देखो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है 9 को कि 60 के आसपास पहुंच जाए। अगर अपन 6 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना यूनिट आपका, और 6 से यहां भी करना पड़ेगा तो ये आपके 12 दिन का काम हो जाएगा। कितने दिन का काम, 12 दिन में, और 12 दिन में कितना काम हो गया आपका 54 यूनिट काम हो गया, कितना हो गया आपका 54 यूनिट हो गया। क्लियर है, यहां तक कोई समझ है, बात समझ आई। अब 12 दिन तक तो साइकिल बनेगा, अब आपको कितना यूनिट काम करना है 6 यूनिट काम और करना है। अगर दोनों काम करने भेजे तो 9 यूनिट कर देते, ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 13वें दिन, अब कितने दिन 13वें दिन,
यहां पर माय डियर 13वें दिन काम करने कौन जाएगा, ए जाएगा। वापस कौन जाएगा, ए जाएगा। और ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है, तो 13वें दिन में कितना यूनिट काम करके आ जाएगा। यहां पर माय डियर बात करें 5 यूनिट यानी कितना हो जाएगा, 59। अब नंबर किसका है, बी का है। अब नंबर किसका है, बी का है। अब बी बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है, लेकिन काम तो एक यूनिट ही बचा है। अगर ये एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो एक यूनिट को कितने में करेगा, 1/4 हो जाएगा। यानी बी कितने दिन काम करेगा, 1/4 दिन। और 1/4 दिन में कितना काम कर देगा, एक यूनिट काम कर देगा। टोटल जो आपका काम है 54 और 5 को ऐड किया, 59 प्लस 1 करेंगे कितना हो गया, 60 यूनिट हो गया। अगर समय की बात करें तो समय कितना लगा, यहाँ पर आइडिया बात करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, 13 में अगर 1/4 जोड़ देंगे कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 13 सही 1/4 दिन में माय डियर क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। कितने समय में होगा, 13 सही 1/4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी समझ आई होगी, यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होगी। तो जब भी माय डियर इस टाइप की बात करेगा कैसे आपको करना है, क्लियर है, यहां तक बात आपको पकड़ में आएगी, किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। यहां तक माय डियर बात करें तो देखें अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, और अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, पढ़े एक बार। अगला क्वेश्चन माय डियर पढ़ेंगे और बात आपकी क्या है, चीजों को समझें। वो बात कर रहा है, दो औरतें गंगा व सरस्वती किसी काम को क्रमशः 8 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा, 8 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक एक घंटे के लिए क्रमागत रूप से काम करना आरंभ करें तथा गंगा सुबह 9 बजे काम आरंभ करें तो काम किस समय खत्म होगा, तो काम आपका कितने किस समय खत्म होगा। टाइम दे दिया उसने, 9 बजे प्रारंभ करी तो टाइम पूछ लिया, करना तो वही है। क्या करना है, देखो बात को समझना, देखो इधर देखें बात आपकी क्या है। यहां पर माइडिया बात करा दो औरतें, एक तो कौन है, गंगा। और गंगा की माइडिया बात करें तो गंगा कितने घंटे में कर रही है, 8 घंटे में। और उसी काम को जो आपकी सरस्वती है, सरस्वती कितने घंटे में कर रही है, 12 घंटे में। इसका माइडिया क्या ले लें, एलसीएम और एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 आएगा। ये आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना, 3, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना, 2। अब यहाँ पर माइडिया बात कर रहा है कि वो एक एक घंटे के लिए क्रमागत, पहले कौन गई, गंगा जाएगी, फिर कौन जाएगी आपकी, सरस्वती जाएगी, फिर कौन जाएगी, गंगा, फिर कौन जाएगी, सरस्वती, फिर कौन जाएगी, गंगा, फिर कौन जाएगी, सरस्वती। यानी यहाँ पर माइडिया बात कर रहा है तो ये जो साइकिल आपका बन रहा है, साइकिल, एक साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है, 2 घंटे में। एक साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है, 2 घंटे में। तो यहाँ पर माइडिया बात करें, एक साइकिल बराबर माइडिया बात करें कितने घंटे, 2 घंटे। और 2 घंटे में कितना यूनिट काम हो रहा है आपका, 5 यूनिट काम हो गया। कितना यूनिट काम हो गया आपका, 5 यूनिट काम हो गया। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या क्या। अब अगला राउंड स्टार्ट होगा, अब आपको कितना काम करना है, 24 के आसपास। अब ऐसी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करना है कि 24 के आसपास पहुंच जाए। 5 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से कर दें, कितने से कर दें, 4 से। तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितने घंटे हो गए, 8 घंटे। यानी 8 घंटे में कितना काम हो गया, 20 यूनिट काम हो गया। और आपको काम कितना करना है, 24 करना है। अब देखो यहां पर माइडियर 8 घंटे में कितने घंटे में, 8 घंटे में, 8 घंटे में आपका कितना यूनिट काम हो गया, 20 यूनिट। अब देखो 8 घंटे के बाद 4 राउंड कंप्लीट हो गए, अब काम करने कौन जाएगा, जी जाएगा, और ये गंगा जाएगी। अब गंगा जाएगी तो 8 के बाद 1 घंटे, भाई दोनों से कराया तो 5 यूनिट काम करेगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगले दिन गंगा को भेजा और गंगा 1 घंटे में, 1 घंटा यानी बात करें 9वां घंटा हो जाएगा, 1 घंटे में कितना काम करके आ जाएगी, 3 यूनिट, 23 यूनिट हो गया। अब बात करें फिर आपको किसको भेजना है, सरस्वती को। अब सरस्वती 1 घंटे में 2 यूनिट काम करती है, कितना यूनिट काम करती है, 2 यूनिट काम करती है। तो अब काम कितना करना है, 1 यूनिट काम करना है। अगर 2 यूनिट को 1 घंटे में करती है तो 1 यूनिट को कितने घंटे में करेगी, आधे घंटे में कर देगी। तो कितने मिनट में करेगी, आधे घंटे में, यानी 30 मिनट में निपटा देगी। और 30 मिनट में निपटा देगी कितने काम को, 1 को। तो काम आपका कितना हो गया, टोटल काम आपका कितना हो गया, 24। और टोटल समय आपका कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 9.5 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे, 9 घंटे 30 मिनट हो जाएंगे। तो
इतने समय बाद काम क्या हो जाएगा पूरा। उसने समय आपका कितना दिया हुआ है, 9 बजे, 9 में अगर 9 घंटे 30 मिनट ऐड करेंगे, 9 घंटे 30 मिनट अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर माय डियर आपका क्या आ जाएगा 6:30 बजे, कितने बजे 6:30 बजे आपका काम समाप्त हो जाएगा। कितने समय बाद हो जाएगा 9.5 घंटे बाद समय पहुँचाएं तो उसने 6:30 बजे आपका काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। वही करना है, साइकिल बनाना है, उससे काम क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। यहां तक माय डियर आपको बात पकड़ में आई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, बरोबर है। आगे देखें, आगे माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और बात आपकी क्या है, पढ़े एक बार क्वेश्चन को, देखें यहां पर, देखें बात आपकी क्या है। उसने बोला है सी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है और बी से 3 गुनी है, अकेला ए उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, यदि वे एक साथ जोड़े में कार्य करते हैं तथा पहले दिन ए प्लस बी, पहले दिन कौन काम जा रहा है ए प्लस बी, दूसरे दिन माय डियर बात करें दूसरे दिन बी प्लस सी, तीसरे दिन ए प्लस सी तथा इसी प्रकार आगे क्रम चलता है तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। चलो देखिए बात आपकी क्या है, देखो उसने बोला है सी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है, सी की जो कार्य क्षमता है वो ए से क्या है 2 गुनी है, तो सी की कार्य क्षमता ए से क्या है 2 गुनी है। फिर आगे बात कर रहा है तथा बी से 3 गुनी है, अगर बी की 1 है तो इसकी कितनी है 3 है। अब यहां पर माय डियर बात करें तो कार्य क्षमता को, सी की कार्य क्षमता तो कोई एक ही होगी कोई फिक्स, तो ऐसा करें या 2 आ रही या 3, इनको सेम बना ले तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें 3 का और इसमें कितने का कर दें 2 का, यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा 3 का और यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा 2 का, तो सी की कितनी यहाँ पर मैडिया बात करें तो बात आपकी क्या है सी की कितनी हो जाएगी 6 और ए की कितनी 2 3 और बी की कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि ए, ये ए प्लस ए बी और सी, ए की कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी आपकी ये, बी की कितनी होगी 3 और ये कितनी हो जाएगी 6, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर रहा है उसने बोला है ए उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो कुल काम निकाल लें, कुल काम ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 और ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, तो कुल काम आपका कितना हो गया 24 यूनिट, कुल काम आपका कितना है 24 यूनिट है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या। अब उसने माय डियर आपसे बोला है कुल काम तो आपको 24 करना है, लेकिन वो बोल क्या रहा है, उसने बोला है पहले दिन A प्लस B जाता है, पहले दिन काम करने कौन जाएगा A प्लस B जाएगा, दूसरे दिन कौन जाएगा B प्लस C जाएगा और तीसरे दिन कौन जाएगा A प्लस C जाएगा। अब A प्लस बी एक दिन में, A प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 5 यूनिट, B प्लस C एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 9 यूनिट करेंगे और C प्लस A एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 8 यूनिट काम करेंगे। यहाँ तक माय डियर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना, ये थोड़ा सा देखें यहाँ पर आपकी क्या है B, A की वैल्यू कितनी है आपकी, A की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर माय डियर बात करें कितनी है 3 है और यहाँ पर माय डियर बात करें तो A की वैल्यू आपकी कितनी है, देखें ए की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है और बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर कुल काम आपका कितना आ जाएगा, कुल काम की माय डियर बात करें तो कुल काम कितना है ए की एफिशिएंसी आपकी कितनी है 3 है और ये कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, तो काम कितना हो जाएगा आपका 36 कितना हो जाएगा 36, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, इधर देखो यहाँ पर माय डियर अगर देखेंगे तो बात को देखें समझें, A प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 5 यूनिट, बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 8 यूनिट और ए प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 9 यूनिट, क्लियर है। अब यहाँ पर माय डियर बात करें इस प्रकार आगे क्रम चलता है तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, एक साइकिल यहाँ पर ये कंप्लीट होगा तो एक साइकिल बराबर यानी कितने दिन हो गए 3 दिन और 3 दिन में कितना काम होगा 5, 8 और ये 9, तो कितना हो जाएगा 5 और 8 को ऐड करेंगे कितना हो गया 13 में 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22, कुल काम आपको कितना करना है 36 करना है, तो 22 यूनिट तो हो गया।
अब यहां पर माय डियर तीनों को तो नहीं भेजें, ए प्लस बी को भेज दें, अगले दिन किसको भेज दें, ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी को माय डियर भेजेंगे तो ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करती है, यहां पर माय डियर बात करें 5 यूनिट काम करेगी। तो यहां पर बात करिए 3 दिन का काम हो गया, कितने दिन का काम हो गया, 3 दिन का, 36 करना है तो मल्टीप्लाई आपका नहीं बनेगा, 3 दिन का काम आपका कितना हो गया, 22 यूनिट। तो एक दिन फिर अगले दिन किसको भेज दें, यहां पर माय डियर बात करें तो अगले दिन चौथे दिन कौन जाएगी, चौथे दिन ए प्लस बी जाएंगे, कौन जाएंगे, ए प्लस बी। और ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, यहां पर माय डियर बात करें तो कितना यूनिट काम कर देंगे आपका, ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, ये 5 यूनिट हो गया, कितना यूनिट हो गया, 27 यूनिट तक हो गया काम, 36 करना है। फिर बात करें अगले दिन की माय डियर बात करें तो कौन कौन जाएगा आपका, बी प्लस सी जाएगा काम करने, और बी प्लस सी माय डियर बात करें कौन से दिन, पांचवें दिन, पांचवें दिन जाएंगे। और B प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 8 यूनिट काम करते हैं, और 8 को माय डियर बात करें तो आपका कितना, 27, 27 में अगर 8 को ऐड करें कितना यूनिट काम करके आ जाएंगे, 8 यूनिट, 8 यूनिट माय डियर काम किया, तो ये 27, 27 और आपका 8 कितना हो जाएगा, 35 हो गया। अब नंबर किसका है, A प्लस सी का है, अब नंबर किसका है, A प्लस सी का है। यहां तक अगर काम की बात करें तो देखो 22 और 5 कितना, 27, 27 में 8 ऐड किया आपका कितना, 35। अब काम कितना बचा हुआ है, 1 यूनिट बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 1 यूनिट। अब जो A प्लस सी है एक घंटे में 9 यूनिट काम करते हैं, कितना करते हैं, एक घंटे में 9 यूनिट काम करते हैं, तो एक यूनिट को कितने में करेंगे, एक यूनिट को कितने में करेंगे, यहां पर माय डियर बात करें एक यूनिट को कितने में करेंगे, 1/9 दिन में कर देंगे, कितने में कर देंगे, 1/9 दिन में, बरोबर है यहां तक। तो ये माय डियर बात करें पांचवें दिन पे ये हुआ, छठवें दिन पे ये हुआ, यानी कौन से दिन में काम हो जाएगा, 5 सही 1/9 दिन में, कितने दिन में हो जाएगा, 5 सही 1/9 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर अपन ने लिख दिया था डायरेक्ट ये 3 दिन का काम, फिर चौथे दिन का काम डायरेक्ट लिख लिया, फिर पांचवे का, फिर छठवे, पूरा छठवा दिन नहीं लगेगा, छठवे दिन से क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी 5 सही 1/9 दिन में आपका कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यहां तक माय डियर आपको बात समझ आई होगी। यहां पर ये एक दिन का काम है, इसका भी एक दिन का, डायरेक्ट में 3 के बाद क्या लिखा, चौथा दिन, ये पांचवा, और ये छठवे दिन में क्या होगा, काम होगा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। अब देखो इसके आगे की काम, अगला आइडिया आपको दिया हुआ है, पढ़ेंगे बात आपकी क्या है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है, बातों को समझें, बातों को देखते जाएं, बातों को समझते जाएं। यहां पर आइडिया बात आपकी क्या की हुई है, वो बात कर रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 24 तथा 30 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, इतने दिन में माइडियर कर सकते हैं, और बात आपकी क्या कर रहा है, उसने बोला है प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 10 घंटे, जिसमें प्रातःकाल शिफ्ट में 6 घंटे तथा सायंकाल शिफ्ट में 4 घंटे काम होता है, जिसमें प्रातःकाल में ए तथा सायंकाल में बी काम करता है, और प्रत्येक दिन वे अपनी शिफ्ट बदलते हैं, तो बताएं कौन से दिन में काम समाप्त होगा, कौन से दिन में आपका काम समाप्त होगा। एक बार पढ़ें माय डियर क्वेश्चन को, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है, बात को समझें, बात को देखें, बात क्या है। अब यहां पर माय डियर देखें चीजें किस टाइप से चलेगी, क्या कहानी आपकी चलने वाली, बात को देखें। ए और बी किसी काम को क्रमशः, ए किसी काम को माय डियर बात करें तो कितने घंटे में कर रहा है, यहां पर दिन में, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसका क्या ले लें, एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया। अगर यहां पर माय डियर बात करें 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 4 बार। यहां तक देखें, यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या है क्या। अब प्रतिदिन 10 घंटे, ये जो 5 यूनिट कर रहा है 10 घंटे में कर रहा है, और ये भी कितने घंटे में कर रहा है, 10 घंटे में, तो 5 यूनिट ये काम कर रहा है, ये भी 10 घंटे में और ये भी 10 घंटे में, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं, जिसमें प्रातःकाल शिफ्ट में 6 घंटे तथा सायंकाल शिफ्ट में कितने घंटे काम करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। अब दो शिफ्ट है यहां पर, कितनी शिफ्ट है भाई, दो शिफ्ट है, एक तो मॉर्निंग की है और एक शिफ्ट आपकी इवनिंग की है।
क्लियर है। अब देखो उसने बात करी है यहाँ पर, जिसमें प्रातःकाल शिफ्ट में कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे, और सायंकाल शिफ्ट में कितने घंटे, आपके 4 घंटे। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? देखो पहले दिन, अब बात कर रहा है ए तथा बी, ए सायंकाल में, प्रातःकाल में ए जाता है, प्रातःकाल में कौन जाएगा, पहले दिन कौन गया, ए, और कितने घंटे काम किया, 6 घंटे काम किया इसने, कितने घंटे, 6 घंटे। तो सायंकाल को कौन जाएगा, बी जाएगा, और सायंकाल में कितने घंटे, 4 घंटे काम करेगा, टोटल 10 घंटे। अब रोज ही शिफ्ट बदलते हैं, रोज क्या करते हैं, शिफ्ट बदलते हैं, दूसरे दिन फिर कौन जाएगा, दूसरे दिन पहली शिफ्ट में बी जाएगा, और ये कितने घंटे काम करेगा, 6 घंटे। और सेकंड शिफ्ट में कौन जाएगा, ए जाएगा, और कितने घंटे काम करेगा, 4 घंटे। फिर बात करें तीसरे दिन की, बात करें तीसरे दिन वापस कौन जाएगा, ए जाएगा, और यहां पर कौन जाएगा, आपका बी जाएगा। यहां तक बात को देखें, यहां तक बात आपको समझ आई या नहीं आई, यानी जो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में। जो एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, यहां पर माय डियर बात करें कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 2 दिन में। कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। यहां तक बात आपको समझ आई होगी, यहां तक माय डियर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एक साइकिल बराबर कितना है आपके, 2 दिन, और 2 दिन की मैं ये बात करें तो ये कितना काम कर रहे हैं, 2 दिन में कितना काम करेंगे दोनों, एक ये 10 घंटे में 5 यूनिट काम करता है, 10 घंटे में 4 यूनिट काम करता है, और ये दोनों ने, यहाँ इसने 6 घंटे किया, यहाँ 4 घंटे, ये भी 10 घंटे और ये भी 10 घंटे काम कर रहा है, यानी 2 दिन में इन्होंने कितना यूनिट काम किया होगा, 9 यूनिट काम किया होगा। कितना यूनिट काम किया होगा, 9 यूनिट। टोटल काम कितना करना है आपको, 120 करना है। अब ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है 9 को, 120 के आसपास पहुंच जाए। तो यहां पर माय डियर बात करें कितने से करें, 10 से करेंगे तो 90, 11 से आपका कितना हो जाएगा, 99, 12 से भी नहीं आ रहा, कितने से कर दें, 13 से। अब 13 से अगर यहां करना पड़ेगा तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां करेंगे तो कितने दिन का काम हो जाएगा, 26 दिन का, और ये हो जाएगा आपका कितना, यहां पर माय डियर बात करें 117। अब आपको काम कितना करना है, 120 करना है, 26 दिन में कितना यूनिट काम हो गया आपका, यहां पर माय डियर बात करें 117। अब देखो, अब काम करने कौन जाएगा, ए जाएगा, कौन जाएगा, ए जाएगा। अब काम करने नंबर किसका आएगा, ए का, और ए 6 घंटे में कितना यूनिट काम करता है, ए 10 घंटे में कितना यूनिट काम करता है, यहां पर माय डियर बात करें तो 5 यूनिट काम करता है, 10 घंटे में 5 यूनिट काम करता है। इधर देखें 10 घंटे में कितना काम कर रहा है, यहां पर माय डियर बात करें 10 घंटे में कितना कर रहा है आपका, 5 कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/2 करेगा। अब ये जो 6 घंटे जाएगा, पहली शिफ्ट में जाएगा और 6 घंटे में काम कितना कर देगा, तो 6 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। अब ये शिफ्ट में गया और 6 घंटे, कितने घंटे, 6 घंटे, और 6 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 3, तो टोटल काम आपका कितना हो गया, 120। टाइम कितना लगा, 26 दिन, और यहां पर माइडिया बात करें कितने घंटे लगे आपके, 6 घंटे लगे, यानी 27वें दिन में हुआ काम। कब हुआ, पूरा 27वां नहीं लगा, लेकिन कितने दिन में हो गया, 27वें दिन में काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, ए आएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ये जो काम कर रहा है, यहां कंफ्यूजन आपको नहीं होना, ये जो काम है 10 घंटे का काम है, कितने घंटे का काम है, 10, तो 10 घंटे में 5 यूनिट काम करता है, तो 1 घंटे में आधा यूनिट काम करेगा, तो 6 घंटे में कितना, 3 यूनिट काम करेगा, और ये 6 घंटे में गया, 3 यूनिट करके आ गया, और काम भी आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। तो समय कितना लगा आपका, कितने घंटे लगे, 26 दिन और 6 घंटे, तो आपका क्या आ जाएगा, 27 दिन में काम समाप्त हो गया। कितने दिन में, 27 दिन में, बरोबर। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगली मीडिया बात करें तो बात आपकी क्या है, अगला क्वेश्चन आपको यह दिया हुआ है, बढ़िया पढ़ेंगे आराम से, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन है, देखे चीजों को समझते जाए। बात करा 1200 पेन ए बी तथा सी 2 घंटे, 4 घंटे तथा 3 घंटे में बनाते हैं। ये जो 1200 पेन है ये 2 घंटे में, 4 घंटे और 3 घंटे में बनाते हैं। यदि ए बी तथा सी प्रत्येक आधे घंटे में काम करते हैं, आधे घंटे काम करते हैं, लेकिन वह एक साथ काम नहीं करते और ए काम को शुरू करता है, तो बताइए 18500 पेन मिलकर कितने समय में बनाएंगे, कितने समय में। अब यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं वो दे दिया उसने पहले, यहां पर क्या काम कर रहा है वो पहले ही दे दिया। चलो देखें ए कितने घंटे में, यहां पर माय डियर बात करें ए कितने घंटे में, 2 घंटे में, और यहां पर माय डियर बात करें बी की, बात करें तो बी कितने घंटे में बना रहा है, 4 घंटे में,
और सी की मीडिया बात करें तो सी कितने घंटे में बना रहा है, 3 घंटे में। अब काम दे दिया उसने, काम क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, यहां पर कितने पेन बना रहे आपके, 12,000। कितने पेन, 12,000। अगर ये 2 घंटे में 12,000 पेन बनाते हैं तो 1 घंटे में कितने हजार पेन बनाए होंगे, 6,000। अगर ये 4 घंटे में 12,000 पेन बना रहे हैं तो 1 घंटे में कितने बनाए होंगे, 3,000। अगर ये 3 घंटे में 12,000 पेन बना रहा है तो 1 घंटे में कितने बनाए होंगे, 4,000 पेन बनाए होंगे। यहां तक बात को देखें, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं। ये 1 घंटे में 6,000 बनाएगा और ये 1 घंटे में 3,000 और 1 घंटे में 4,000। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताएं। यहां तक माई डियर बात आपको समझ आ गई होगी। अब वो बात कर रहा है, उसने बात आपसे क्या करी है, लेकिन वह एक साथ काम नहीं करते और ए तथा बी तथा सी आधे घंटे काम करते हैं। कितने घंटे कर रहे हैं, आधे घंटे। तो आधे घंटे का निकाल लें, यहां पर माई डियर बात करें, ये कितने घंटे काम कर रहा है, आधे घंटे, और ये भी कितने घंटे काम कर रहा है, आधे घंटे, और ये भी कितने घंटे काम कर रहा है, आधे घंटे। तो यहां पर काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और एक कौन कर रहा है, बी कर रहा है और एक सी कर रहा है। लेकिन वह एक साथ भी काम नहीं करी, ये भी आधा घंटा, ये भी आधा घंटा, और ये भी आधा घंटा काम करेगा, और आधा घंटा काम करेगा, 1 घंटे में अगर 6,000 बना रहा है तो 1 घंटे में कितना, आधे घंटे में कितना बनाएगा आपका, 3,000। अगर ये आधे 1 घंटे में 3,000 बना रहा है तो आधे घंटे में कितना बनाया होगा, 1,500। और ये अगर 1 घंटे में 4,000 बना रहा है तो आधे घंटे में कितना बनाया होगा इसने, 2,000। ये पेन बनाए होंगे, ये पेन उसने माय डियर बना दिए। अब बात क्या कर रहा है, तथा एक काम को शुरू करता है। तो एक साइकिल आपका कितने समय में कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल की बात करें, एक साइकिल की माय डियर इसने आधा घंटा काम किया, इसने आधा और इसने आधा घंटा काम किया, तो एक साइकिल बराबर माय डियर बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, 3/2 आवर, यही हो जाएगा, 1.5 घंटा होगा। और 1.5 घंटे में माय डियर इन्होंने कितने पेन बना दिए, 1.5 घंटे में कितने पेन बना देंगे, यहां पर माय डियर बात करें, 3,000 2,000 को ऐड करेंगे, 5,000 और 1,500 को ऐड किया तो कितना हो गया आपका, 6,500 पेन बना, ये बना दिए, ये तो बनाए। यानी एक साइकिल कितने में हो रहा है, 1.5 घंटे में। अब आपको कितने, 12,000 पेन बनाने, कितने पेन बनाने भाई, 12,000। तो इसका डबल कर दें अपन, क्या कर दें, डबल कर दें। अगर डबल करेंगे तो यहां पर माय डियर आपका कितना आ जाएगा, 12,000 के आसपास पेन आपको बनाने, कितने, लेकिन वो बात कर रहा है कितने की बात कर रहा है आपसे, 18,000 की बात कर रहा है। इसका अगर डबल करोगे, इसका मैं अगर डबल करूं, यहां पर माय डियर बात करें, इसका भी डबल और इसका भी डबल और इसका भी अगर डबल करोगे तो ये पेन कितने के आ जाएंगे, 3 घंटे के। और 3 घंटे में माय डियर आपके कितने पेन बन जाएंगे, 13,000। यहां तक बात को देखें, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, 3 घंटे में आपके कितने पेन बनेंगे, 13,000 पेन आपके बनेंगे। ये तो बात आ गई, तो साइकिल कंप्लीट हो गया। अब जाएगा कौन, ए जाएगा, और ये आधे घंटे काम करता है, और आधे घंटे में ए आधे घंटे में कितना काम करके आ जाएगा, आधे घंटे में माय डियर कितने पेन बनाता है आपके, 3,000। क्लियर, 3,000 यानी 16,000 पेन बन गए। फिर कौन जाएगा, बी जाएगा, कौन जाएगा आपका, बी जाएगा, और बी आधे घंटे काम करेगा, और बी आधे घंटे में माय डियर कितने पेन बनाता है, 1,500। कितने पेन बनाता है आपके, 1,500 पेन बनाता है। कितने पेन बनाएगा भाई आपके, 1,500 पेन बनाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1,500। अब ये 13,000 और 3,000, 16,000, 16,000, 1,500 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 17,500। कितने हो गया भाई, 17,500 पेन बन गए। अब आपको पेन, अब जाएगा कौन, अब कौन जाएगा, सी जाएगा, कौन जाएगा, सी जाएगा। अब सी आधे घंटे में 2,000 पेन बनाते हैं, और यहाँ पर देखो 13 और 3 16, 1,600 में 16,000 में 1,500 ऐड करेंगे तो 17,500 हो गए। कितने हो गए आपके, 17,500। और आपको तो माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, आपकी बात कर रहा है, उसने आपको कितने पेन बनाने, 18,500। कितने पेन बनाने, 18,500। अब कितने पेन कम पड़ रहे हैं, 1,000 पेन ही तो कम पड़ रहे हैं। अब ये आधे घंटे में कितने पेन बनाता है आपका, 2,000, लेकिन आपको तो 1,000 ही बनाना है। तो 1,000 पेन को आधे 30 मिनट में अगर 2,000 बना रहा है तो ये 15 मिनट में 1,000 बना देगा। तो ये कितने मिनट काम करेगा, 15 मिनट। सी कितने मिनट काम करेगा, 15 मिनट। और 15 मिनट में कितने पेन बना देगा आपके, कितने बनाएगा, 1,000।
तो टोटल आपके जो पेन है, टोटल आपके पेन कितने हो गए? 18,500 हुए नहीं हुए? कितने पेन हो गए आपके? 18,500 पेन हो गए। कितने हो गए? 18,500 पेन हो जाएंगे। इधर लिख देते इसको, कितने पेन हो गए आपके? 18,500 ये पेन हो गए। क्लियर? अब देखो समय कितना लगा, पहले इन्होंने माइडिया बात करे 3 घंटे में कितने बन गए थे, इतने 3 घंटा आधा और आधा कितने हो जाएंगे 1 4 घंटे, 4 घंटे 15 मिनट। कितना लगा? 4 घंटे 15 मिनट। यानी यहां पर माइडिया बात करे तो ये कितने घंटे में बना देंगे, 18,500 पेन को कितने मिनट में बनाएंगे? 4 घंटे 15 मिनट में बना देंगे। यहां पर माय डियर आपको ये बात समझ आई या नहीं आई, इतनी बातें आपको समझ आई या नहीं आई? क्लियर? चीजों को देखें, चीजों को समझें, बात आपकी क्या कर रहा है। तो वो 18,500 पेन को कितने बनाएगा? 4 घंटे 15 मिनट में बना देगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, चीजों को समझें। और अगर प्रोसेस दिमाग में बैठ गया ना, फिर भूलोगे नहीं। ये चीजें शॉर्ट नहीं होगी कभी भी आपकी, ये चीजें आपकी क्या नहीं होगी? शॉर्ट नहीं होगी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, एक और देखते हैं बात आपकी क्या कर रहा है। यहां पर पढ़े एक बार क्वेश्चन को, ए बी तथा सी को 100 पेन बनाने का कार्य मिलता है। ए बी तथा सी क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे तथा 4 घंटे में एक पेन बनाते हैं। यदि हर एक पूरा पेन बिना किसी की सहायता के बनता है तो वह उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? देखो बात को समझे, बात आपकी क्या है। यहां पर मैं ये बात करा, ए कितने घंटे में? 2 घंटे में पेन बनाता है। और जो बी है कितने घंटे में बनाता है? 3 घंटे में। और सी कितने घंटे में बनाता है आपका? यहाँ पर आइडिया बात करें 4 घंटे में ये पेन बनाते हैं। अब उनको 100 पेन बनाने का काम मिला है और वो किसी की सहायता भी नहीं लेते। अगर किसी ने पेन स्टार्ट कर दिया तो वो ही बनाएगा उस पेन को। अब एक पूरा पेन बनाने किसी की सहायता के बनता है, बिना सहायता के बनता है बिना, तो उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? अब यहाँ पर माइडिया बात करें तो उस काम को वो कितने समय में पूरा करेंगे, बात को देखें। देखो समझो, इस टाइप की बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन है। यहाँ पर माइडिया बात करें तो बात आपकी क्या है, एक तो पेन बना रहा है कौन? ए। एक बना रहा है कौन? बी। और एक बना रहा है कौन है? सी बना रहा है। क्लियर? पहले घंटे में 1 घंटा काम करा इन्होंने। अगर 1 घंटा काम किया तो ए को एक पेन बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे में कोई पेन बनाएगा क्या? ये बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। फिर बात करें दूसरे घंटे की, दूसरे घंटे में ये एक पेन बना देगा, ये कोई पेन बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। फिर बात करें तीसरे घंटे की, तीसरे घंटे में ये तो एक ही बनाएगा। 1 घंटे 2 घंटे में एक बनाता तो 4 में 2 बनाएगा, अभी तो एक ही कंप्लीट हुआ। और बी की बात करें तो 3 घंटे में एक पेन बना देगा और ये कुछ भी नहीं बनाएगा। फिर बात करें 4 घंटे की, माय डियर बात करें तो 4 घंटे में कितने बना देगा? 2। और ये एक ही बनाएगा और 4 घंटे में कितने बनाएगा? 1 बनाएगा। अगर मैं 5 घंटे की माय डियर बात करूँ तो 5 घंटे में ये 1 बनाएगा और ये 3 घंटे में 1 बनाता तो 5 में ये भी 1 बनाएगा और ये भी 1 बनाएगा। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? आगे देखो, आगे माय डियर बात करें 6वें घंटे की। अगर बात करें 6वें घंटे में, 6वें घंटे की बात करें तो 2 घंटे में 1 बनाता है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें ये 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 ही आएगा। 6वें घंटे की माइडिया बात करें तो 6वें घंटे में 1 घंटे में अगर 2 बनाता है तो 6वें घंटे में कितने बना देगा? 3 बना देगा। और जो ये है ये तो 1 ही बनाएगा और ये भी क्या बनाएगा? 1। ये कितने बना देगा? 2 बना देगा। फिर 7वें घंटे की अगर बात करें तो ये 3 ही बनाएगा और ये 3 घंटे में 1 बनाता तो 7 में भी कितने बनाएगा? 2 ही बनाएगा। तो बात करें ये 7वें में कितने बनाएगा? 1 बनाएगा। अगर 8वें घंटे की बात करें तो ये 1 घंटे में 2 घंटे में 1 बनाता है तो 8 घंटे में कितना बना देगा? 4 बना देगा। ये 8 घंटे में माय डियर बात करें तो ये 8 घंटे में कितना बनाएगा आपका? 2 ही बनाएगा, क्योंकि 3 घंटे में बनाता है। और ये 8 घंटे में कितना बना देगा? 2 बना देगा। आगे माय डियर 9 घंटे की अगर बात करें तो 9 घंटे में 4 ही पेन बनाएगा और इसकी बात करें तो ये 3 घंटे में 1 बनाता है तो 9 घंटे में कितना बना देगा? 3 बना देगा। और ये कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। यहाँ तक बात को समझें, बात को क्लियर क्या है मामला। अब यहाँ पर माय डियर बात करें ये पहले घंटे में कोई काम नहीं होता, इसका इसका भी नहीं होता। ऐसा अगर मामला रहा तो मामला क्या है? गड़बड़ है। तो यहाँ पर इस टाइप की बात जब भी आपसे करेगा कि कोई भी खाली नहीं बैठे, कोई भी खाली नहीं बैठे, सभी कुछ ना कुछ काम किसी ना किसी का क्या होता रहे? चलता रहे। यानी एक साइकिल आपके कितने समय में पूरा होगा, तो क्या करना है ऐसी स्थिति में माय डियर? ये तो अपन ने देखा, ये करना नहीं है। इसका आपको क्या लेना है? एलसीएम ले लो। अब इनका माय डियर एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का एलसीएम।
कितना आया आपका 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया, एलसीएम आपका कितना आ गया 12 आ गया। दो तीन का एलसीएम कितना आ गया आपका 12 आ गया, यानी ये साइकिल कितने घंटे में, जो एलसीएम आ रहा है इतने घंटे में कंप्लीट हो रहा है, साइकिल इतने घंटे में क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, 12 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। तो ये दो घंटे में अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, और 12 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो यहां पर भाई ये बात करें तो ये एक साइकिल कितने घंटे में 12 घंटे में, और ये बात करें इसको डिवाइड किया तो ये 12 घंटे में 6 पेन बनाता है, 4 बनाता है, 3 बनाता है, यानी 12 घंटे में इन्होंने कितने पेन बनाए 12 घंटे में, 12 घंटे में इन्होंने कितने पेन बना दिए 6, 4, 10, 10 और 3 कितना 13 पेन बनाए, कितने बनाए 13। और एक साइकिल कितने समय में आपका कंप्लीट हो रहा है 12 घंटे में, पेन आपको टोटल बनाने कितने, पेन कितने बनाने 100 बनाने, तो 100 बनाने हैं। तो यहाँ पर माय डियर इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि 100 के आसपास मामला पहुँच जाए, और 100 के आसपास माय डियर बात करें कितने से कर दें 7 से, 7 से अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 91, और 12 को अगर 7 से माय डियर मल्टीप्लाई करेंगे कितने घंटे हो जाएंगे आपके 84, यानी 84 घंटे में आपके इतने 91 पेन बन गए। अब बात करें आपको कितने पेन और बनाने, 9 पेन और बनाने, कितने बनाने 9, यहां पर अपने बात करी थी 9 घंटे में कितने पेन बन रहे हैं, यहां पर ये जो पेन आपने निकाले 9 घंटे के, ये जो दिया हुआ है 7 और 4 और 3 कितना 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, कितने पेन बन रहे हैं आपके ये, यहां पर भाई ये बात करें तो 9 घंटे में आपके कितने पेन बन रहे हैं 9, तो 9 घंटे में अगर 9 पेन बनेंगे, 9 पेन ही और बनाने तो 9 घंटे में आपके कितने पेन बना देंगे 9 घंटे में, यहां पर भाई ये बात करें 9 आपके पेन बना देंगे तो टोटल पेन आपके कितने हो गए 100, और यहां पर भाई ये बात करें टोटल जो आपका समय हो जाएगा वो आपको 84 में अगर 9 को ऐड करेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे आपके 93 घंटे हो जाएंगे, यानी यहां पर माय डियर 100 पेन बनाने में उनको कितना समय लगेगा 93 घंटे लगेंगे, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। यहां तक माय डियर ये बातें आपको समझ आई होगी, ये तो अपन ने देखा है, पूरा इतना डिटेल में आपको नहीं देखना है, यहां पर बात करें अपन ने देखा है एक घंटे में, दो घंटे में एक पेन बनाता है तो एक घंटे में तो कोई भी पेन नहीं बनाएगा, जब दो घंटे में ये एक बनाता है तो ये तीन घंटे में बनाता है, दो घंटे में कोई भी पेन नहीं बनेगा, ऐसा अपन ने सिक्वेंस बना लिया। तो यहां पर माय डियर चीजों को देखें समझें बातें क्या है, ये अपन ने बातें करिए समय और कार्य की, वो लगभग 9-10 क्लासों में जाके समय और कार्य आपका होता है, इसी का एक पार्ट है छोटा सा वो बचा हुआ अपना टंकी वाला, तो उसी को इसी पैटर्न पर आधारित होता है, उसके क्वेश्चन अपन आगे फिर करेंगे। मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चन अपन ने करें उनको अगर आप ढंग से कर लेते हो तो कहीं भी बात आपकी नहीं बिगड़ेगी, चीज़ों को देखते जाए, चीज़ों को समझते जाए, पढ़ते जाए, मस्त रहें, बिंदास रहें। तो इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे, तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।